जय श्री राम। आज नर्मदा परिक्रमा का 49वां दिन, जो कि नानी पाटना गांव से चलकर कांदरोज गांव तक आए हैं। ये दूरी लगभग 14-15 किलोमीटर होगी अंदाजन। और जहां आज हम रुके हुए हैं, तो ये आनंद टेकरी करके एक जगह है, वहीं पर ही आज ठहरे हुए हैं। तो कांदरोज में लगभग 4 तीर्थ कहे गए हैं। तो पहला तीर्थ है कार्तिकेश्वर महादेव, दूसरे ब्रह्मेश्वर महादेव, तीसरे मार्कंडेश्वर महादेव और चौथे हैं नर्मदेश्वर महादेव। तो आइए इन तीर्थों का दर्शन करें तथा इनकी विशेषता के बारे में जानें, या किस तरीके से इनका प्रादुर्भाव हुआ इस विषय में जानते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम आप पहुँचे हैं कार्तिकेश्वर में। यहाँ बताते हैं भगवान कार्तिकेय ने तप किया था इस स्थान पर। तो यहाँ पर शिवलिंग विद्यमान है, संभवतः उसी काल से होंगे। तो इस स्थान का नाम और इन शिवलिंग का नाम कार्तिकेश्वर है। अद्भुत झांकी है, दिव्य दर्शन है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम दर्शन कर रहे हैं नर्मदेश्वर भगवान के। बताते हैं कि नर्मदा जी ने यहाँ पर तप किया था और तब से यहाँ पर ये शिवलिंग विद्यमान है और इनका नाम नर्मदेश्वर है। और ऐसा भी कहते हैं कि 12 साल में एक बार नर्मदा जी का जल यहाँ तक चढ़ जाता है। कहते हैं कि इन्हें अभिषेक कराने के लिए। बहुत ही अच्छे और दिव्य दर्शन हैं इनके। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम अब आप पहुँचे हैं ब्रह्मेश्वर महादेव और साक्षात सामने दर्शन हो रहे हैं ब्रह्मेश्वर जी के। यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग स्थापित किया तथा तप भी किया था इस जगह। तब से इस स्थान को ब्रह्मेश्वर महादेव कहा जाता है। और जो आसपास ये इतना देख रहे हैं इस तरीके का, तो बताते हैं कि पूर्व काल में कुछ डकैत लूट करके यहाँ पर लूट का जो सामान है वो आपस में हिस्सा बांट कर रहे थे। तभी अचानक से आसमान की तरफ से बताते हैं बिजली कड़की और नीचे ज़मीन पर गिरी इसी मंदिर पे। तो जो वो 4 चोर थे वो तो वहीं पर ही उनका शरीर पूरा हो गया, मगर मंदिर की हालत कुछ इस तरीके से हो गई कि इसकी नींव तो है और ब्रह्मेश्वर महादेव भी हैं, पर न दीवार है और न छत है। बारिश होती है तभी सीधे अभिषेक बारिश का ही होता है, और वैसे कोई भक्त आ जाए तो वो अभिषेक वगैरह कर दे तो बात एक अलग है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम अब आ पहुँचे हैं मार्कंडेश्वर में। बताते हैं कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तप किया और तभी से ये शिवलिंग यहाँ पर विद्यमान है। तो जिस वजह से इन्हें मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दर्शन काफ़ी अच्छे हैं इनके।